नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने खड़ी है TVS कंपनी की एक्सल 100 हैवी ड्यूटी। ये बाइक्स दोनों खड़ी हैं, मोपेड बोल सकते हो उसको। तो देखिए, तो ये बेसिकली दो मतलब की आती हैं। एक जिनका बिजनेस है सामान को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, उनके लिए देखो ये वाली बनी है, ठीक है। और लेकिन जिनको TVS एक्सल चलाने का शौक़ है और जो मतलब हल्की गाड़ी चलाना चाहते हैं और फैमिली के मतलब से लेने चाहते हैं, तो उनके लिए TVS कंपनी ने ये स्मार्ट वाला कम्फर्ट वाला मॉडल निकाला है, स्मार्टी देख सकते हैं आप। तो दोनों ही गाड़ियों में कितना चेंज करके भेजा है कंपनी ने। ये दोनों ही गाड़ियाँ सेल्फ से स्टार्ट होंगी। एक तो ये खड़ी है, ये सेल्फ से स्टार्ट होगी, ये भी खड़ी है सेल्फ से स्टार्ट होगी। इसका नाम है TVS एक्सल 100 हैवी ड्यूटी, आई टच के साथ आती है, आई टच स्टार्ट। और इसका नाम है TVS एक्सल कम्फर्ट आई टच स्टार्ट, इसका कम्फर्ट नाम है। देखिए, तो इस वीडियो में हम लोग सारे मतलब कंपैरिजन दिखाएंगे कि क्या दोनों में सिमिलर है और क्या अलग है, और प्लस ऑन रोड प्राइस बताएंगे, माइलेज बताएंगे। और दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ शिव ऑटो व्हील्स, ये एटा चुंगी में पड़ता है, TVS का शोरूम, यहाँ बना रहा हूँ, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रंट प्रोफाइल से ही देख लेते हैं दोनों में क्या क्या चेंजेस हैं। देखिए, फ्रंट में हेडलाइट तो दोनों ही गाड़ियों की सेम देखने को मिलेगी। देखिए, गोल में हैलोजन बल्ब के साथ, गोल में हैलोजन बल्ब के साथ, लेकिन यहाँ पर हेडलाइट को थोड़ा सा सजाया नहीं गया है। यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से वाइज़र दे दिया है। ये अच्छा सा लग रहा है, टापा बोल सकते हैं इसको, ब्लैक कलर में और ब्लू कलर में खड़ा हुआ है, और ये यहाँ TVS लिखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडिकेटर दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने को मिलते हैं, ये देख लो, ये दोनों गाड़ियों में इंडिकेटर सेम देखने को मिलते हैं। जलाकर दिखा देता हूँ दोनों ही गाड़ियों के इंडिकेटर, अभी बैटरी नहीं लगी। ये देखिए, जलने के बाद कुछ इस टाइप से लगता है इंडिकेटर। और दोस्तों, थोड़ा नीचे पर जाते हैं, सस्पेंशन जो है दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने को मिलते हैं, ये देख लो। लेकिन फ़र्क क्या है, उसमें सस्पेंशन को जो है रबर से कवर कर रखा है, लेकिन इसको रबर से कवर कर नहीं रखा। आगे की जो सस्पेंशन है, आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक टाइप स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, मतलब हाइड्रोलिक टाइप स्प्रिंग वाले सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, ये देख लो टेलीस्कोपिक। और सस्पेंशन के ऊपर रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट भी की गई है, आप देख सकते हैं, ये अच्छी चीज़ हो जाती है। ब्रेकिंग दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने को मिलती है, मतलब ड्रम ब्रेक में देखने को मिलती है गाड़ी, डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता है इस गाड़ी के अंदर। तो साइज़ जो है ब्रेक का वो 110 mm का है, और प्लस SBT की सिंकिंग टाइप ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि अगर पीछे का ब्रेक लगाओगे तो आगे का भी लगता है, इससे कंट्रोलिंग वगैरह अच्छी हो जाती है। दूसरा चेंज जो आपको दिख रहा होगा बहुत बहुत बड़ा, सीट का चेंज देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। ये देखिए, सीटिंग उसमें कटिंग वाली है और पीछे से निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पर सीट को निकालने के लिए अलग से एक इग्निशन दे रखा है, चाबी लगाओ और ये सीट निकाल के अपना सामान वगैरह बांध सकते हो। सामान को बांधने के लिए यहाँ पर बहुत ढेर सारे हुक्स दे रखे हैं, आपका सामान वगैरह बन जाता है इस गाड़ी के अंदर। और इसमें भाई साहब सीट नहीं निकलती, फिक्स सीट है, फैमिली के मतलब की हो जाती है। टैंक कैपेसिटी दोनों ही गाड़ियों की सेम देखने को मिलती है, 4 लीटर की, यानी 4 लीटर में ये गाड़ी फुल हो जाने वाली है। माइलेज 50 से 55 का देती है, 50 से 55 तक का। वहीं अगर मैं हैंडल बार और मीटर कंसोल की बात करूं, तो इसमें देखिए इधर वाले का देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाले का। इसमें आपको इंजन किल स्विच, सेल्फ और किक दोनों से स्टार्ट होती है। ये हाई बीम लो बीम पासिंग का स्विच देखने को मिलता है इसके अंदर, ये देखो लाइट को बंद खोलने का, और हाई बीम लो बीम पासिंग का स्विच देखने को नहीं मिलता। ये हॉर्न, ये इंडिकेटर का, और इसके अंदर वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फ्यूल का देखने को मिलता है, इंडिकेटर का, हाई बीम लो बीम का, और चेक इंजन का, और स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। चार्जिंग सॉकेट इस वाली गाड़ी में देखने को नहीं मिलता, पर इस वाली गाड़ी के अंदर आपको चार्जिंग सॉकेट अलग से देखने को मिलता है, बाकी बटन सेम उसी की तरह है इस गाड़ी के अंदर। देखिए, सेल्फ का, इंजन किल स्विच, यहाँ पर हाई बीम लो बीम, लाइट को खोलने और बंद करने का बटन, यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, ये देखिए इंडिकेटर का बटन देखने को मिल जाता है, और ये आपका हॉर्न का। मीटर कंसोल में वही सारी चीज़ें जो इसमें देखने को मिलती हैं, वार्निंग लाइट्स और फ्यूल का और ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चाबी दिखाऊं इस गाड़ी की, चाबी आपको इस टाइप की देखने को मिलती है, ये है चाबी, इसको मैं लगा देता हूँ। और यहाँ देखो चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, मोबाइल वगैरह आप चार्ज कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पर दिखा आपको, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आपको हुक लगवाना पड़ेगा, और सामान को लटकाने के लिए यहाँ पर भी सामान दिया गया है, ये देखिए एक हुक टाइप का दिया गया है, पैर रखने की जगह, ये देखिए अच्छा खासा सामान आ जाएगा, ये देखो। वहीं अगर साइड स्टैंड दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने को मिलता है, साइड स्टैंड में इंजन पावर कट वाला सेंसर, जैसे अगर साइड स्टैंड लगाए तो आपकी गाड़ी आगे जाएगी नहीं, ये अच्छी चीज़ हो जाती है।
टायर साइज़ की बात करूँ तो आगे और पीछे के टायर का जो साइज़ है दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने को मिलते हैं। ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब टायर है, यानी कि अगर पंचर हो गया तो ट्यूब निकाल के टिकली लगवानी पड़ेगी इस गाड़ी के अंदर आपको। साइज़ जो है 2.5 और 16 इंच के व्हील साइज़ के साथ है, स्पोक्स में आता है। और चेन जो सेट है इसका, चेन जो है, चेन ड्राइव, वो आपको कवर देखने को मिलता है। ये देखिए प्लास्टिक के फाइबर से पैर रखने के जो फुट रेस्ट हैं वो दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने को मिलते हैं, ये देख लो। और बैक प्रोफाइल दोनों ही गाड़ियों का सेम देखने को मिलता है। देखिए चकोर में बैक लाइट, हैलोजन में, हैलोजन में इसके इंडिकेटर। बस एक चेंज क्या है, ये जो ग्रैब हैंडल्स हैं इसमें पाइप के रूप में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर प्यारा सा क्रोम में ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है और मिडिल स्टैंड भी गाड़ी में देखने को मिलते हैं। वहीं साइलेंसर की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों का साइलेंसर में क्या चेंज है, इस पर एक ब्लैक कलर की प्लेट लगी हुई है और इस पर क्रोम की प्लेट लगी हुई है, ये देख लो, ये सेम हो जाता है। इंजन जो है भाई साहब, इस गाड़ी का इंजन सुन लो, 99.7 सीसी का इंजन, ठीक है, 4.29 बीएचपी की पावर के साथ। और टॉर्क जो है इस गाड़ी का 6.5 एनएम का टॉर्क इस गाड़ी का हो जाता है। और इस गाड़ी में रिजर्व जो होता है, वैसे रिजर्व लगता नहीं है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है, तब भी आप कम से कम 1.25 लीटर इसके अंदर तेल रखें, नहीं तो क्या हो जाता है ना, एयर ले जाएगा, ठीक है। कर्व वेट वजन जो है दोनों गाड़ियों का वो हो जाता है, मतलब उसका थोड़ा सा या कोई ना कोई कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो एक कर्व वेट है इस गाड़ियों का 88 किलो का होता है। और जो सीट हाइट है 787 mm की होती है, यानी कि शॉर्ट हाइट पीपल के लिए, उन लोगों के लिए भी बनी हुई है गाड़ी जो मतलब हेजिटेट करते हैं और शॉर्ट हाइट है, जिनकी मतलब 5 फीट तक के लोग जो हैं इस स्कूटर को आराम से चला पाएंगे। ये स्कूटर नहीं है, मोपेड को, मतलब शॉर्ट हाइट के लिए बना हुआ है भाई साहब, शॉर्ट हाइट पीपल उसको इस वाली गाड़ी को आराम से चला पाएंगे, ये देख लो। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 145 mm का देखने को मिलता है। और दोस्तों ये गाड़ी किक और सेल्फ दोनों से ही स्टार्ट होती है। देखो एक चीज़ और बताऊँ, एक इसकी खासियत, एक की वाली चीज़ बताऊँ, ये एक चाबी है, ठीक है, इससे ही आपकी गाड़ी ऑन ऑफ होगी, इस चाबी से ही आपकी गाड़ी का तेल खुलेगा, मतलब तेल का जो ढक्कन है इसी से आपकी गाड़ी लॉक होगी, इसी से एक यहाँ पर लॉक दिया गया है, जैसे सामान वगैरह रखना है, पेपर रखने हैं अपने गाड़ी के तो यहाँ रख सकते हो, ठीक है, इसी लॉक से, ठीक है। ये भी लगा लेंगे भैया, मैं खोल देता हूँ, अभी को लगा दूँगा मैं। और दोस्तों इसी वाले लॉक से यह वाली सीट भी खुलेगी, ये चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है, यानी कि एक चाबी 5 कमाल, ये चीज़ हो जाती है। स्टिकरिंग देखो ब्लैक के साथ, इसमें भाई सब आपको रेड कलर भी देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर भी देखने को मिलेगा, ब्लू कलर भी देखने को मिलेगा, बहुत ढेर सारे कलर ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलेगा। और इसमें आपको ये कलर देखने को मिलेगा थोड़ा सा ना, आपका कॉपर टाइप का कलर भी एक आता है, ये तो ब्लू कलर हुआ, ब्लू के साथ देखो TVS का ये वाला स्टिकर देखने को मिलता है, XL लिखो हुआ है, कम्फर्ट 100 कम्फर्ट। और यहाँ पर भी है भाई साहब पेपर वगैरह रखने के लिए, मतलब एक चाबी के 5 काम, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम काम देखने को मिलते हैं चाबी के, ये देख लो। अब आ गया है इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस का, अगर आप लेना चाहते हो तो ये शिव ऑटो व्हील्स पर अवेलेबल है और अलीगढ़ में ये एटाचुंगी पर ये शोरूम पड़ता है। तो इसका जो ये वाली का कम्फर्ट का इसका ऑन रोड प्राइस हो जाता है वो 81,000 लमसम हो जाता है लगभग हो जाता है, और इसका जो ऑन रोड प्राइस होता है वो 78,000 रुपये हो जाता है। तो अगर आप TVS XL लेना चाहते हो तो मैंने सारा कंपैरिजन आपको बता दिया है, आप देख सकते हो, अच्छा गाड़ी है और मतलब उन लोगों के लिए बेहतर हो जाती है। सबसे पहले तो कैटेगराइज होती है कि जिनकी हाइट कम है उनके लिए बेहतर हो जाती है, और जैसे अगर किसी का छोटा मोटा बिजनेस है, सामान को भाई लाना है इधर से करना है उधर, उनके लिए ये वाली बेहतर हो जाती है। जो फैमिली के पर्पज़ से लेना चाहते हैं ना उनके लिए भी अच्छी हो जाती है, एक सस्ती बजट बाइक हो जाती है। और इसका जो माइलेज है वो मैंने आपको बता ही दिया था, 50 से 55 तक का जाता है। तो बस यही जानकारी मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपको दे दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।